तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है मेरे ब्लॉग में मुदगल एम्पायर। और आज हम आपको जर्नी कराएंगे 02248 अहमदाबाद टू ग्वालियर। पहुंचे आबू जंक्शन। आबू जंक्शन से हमने खाने का कुछ लिया है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगता है। अभी हमने ली हुई है रबड़ी, यहाँ की फेमस, टेस्ट करते हैं फिर देखते हैं। सोच के रखा था कि मैं वॉशरूम दिखाऊंगा,
लेकिन वही इधर से उधर चेंज करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाया, ना खाने का कोई सूट किया मैंने, वही 4-5 घंटे निकल गए इधर से उधर शिफ्ट करने में। अभी मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, देखते हैं क्या कंडीशन है वॉशरूम की, अभी सही है कि कल जैसा है कि। ये डस्टबिन है जो पूरा भरा हुआ है, ये डस्टबिन पूरा भरा है, पानी नहीं आ रहा सही से, दो बूंदें पानी की गिर रही हैं, कचरा भरा रखा है, कल से डस्टबिन फुल है। ये रहा वॉशरूम जो कि पूरा गंदा डरा है, यहाँ लिक्विड होना चाहिए लेकिन लिक्विड नहीं है, मुझे पूरा टूटा हुआ रखा है, यहाँ पानी है। दूसरा वाला वॉशरूम देखिए, कंडीशन एकदम खराब है, पूरा देखो गंदा पड़ा रखा है, ये देखो पूरा गंदा है, पानी इसमें भी आ रहा है लेकिन ये खराब है, ये लिक्विड है लेकिन लिक्विड की जगह हल्का हल्का पानी मिक्स हो गया, सही है, गंदा तो वॉशरूम होना ही नहीं चाहिए। पानी आ रहा है जा रहा है, डस्टबिन कल से एकदम फुल पड़े हैं, कोई साफ करने नहीं आया, कोई कचरा निकालने के लिए नहीं आया, पानी की टंकी भी खाली हो चुकी है, पानी भी फुल। अगर अंदर बोगी की बात करें तो कचरा है, यहाँ भी कचरा है देख सकते हैं, भरा पड़ा है पूरा कचरा, देख सफाई तो है ही नहीं। इधर वाला भी अगर डस्टबिन चेक करते हैं तो देखो इधर भी डस्टबिन एकदम फुल है, डस्टबिन में सफाई बिल्कुल भी नहीं की गई है, यहाँ तो पानी आ रहा है। अभी हम पहुंच गए हैं मुरैना जंक्शन, ट्रेन अभी 10 मिनट लेट चल रही है, वो खाने का तो एकदम एक्सपीरियंस रहा, दिखा नहीं पाया मैं लेकिन
कुछ अच्छा था ही नहीं ऐसा कि दिखाया जाए या खाया जाए। और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।